So yesterday we discussed the fertilization, that is the fusion of the male and the female gamete to form a fertilized egg cell that we called as zygote. ठीक है? Fertilization, it can occur in two way, internal fertilization and external. Whenever the meeting of the female and the male gametes, it takes place outside the body of an organism, that is external fertilization. And if they meet inside the body of an organism, that is internal fertilization. Okay. So since we are discussing the fertilization in human beings, we have studied that the male gametes, they are the sperms, and the female gametes, they are the egg cells or the ova. Okay. They are going to meet and they are going to produce a zygote. Zygote is actually a single celled organism. ठीक है? एक single celled है. ये सिंगल सेल्ड जो है वो क्या करता है, अपने आप को रैपिडली क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है. ओके, मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? इट फर्स्टली डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, 2, 4, 8 ऐसे करके इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है. ओके, 2 से फिर ये इट विल डिवाइड इनटू 4 लाइक दिस. 4 से तो देख लेना, 8. ओके, तो ऐसे करके फिर ये एक नंबर ऑफ सेल्स में क्या कर जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. ओके, इट गेट्स मल्टीप्लाइड इन मेनी नंबर ऑफ सेल्स, राइट. अब ये जो स्टेज है इसकी, ओके, when the tissues they start forming, that is known as which state? Embryo state. The further growth and the development, ठीक है, जो आपकी zygote की हो रही है, into the tissues and the organs, that is known as embryo. Okay, clear है? After the embryo formation, जब embryo बन जाता है, बहुत सारे जो cells हैं आपके blastocyst बनाते हैं, जब एक stable form होती है ये. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी मल्टी सेल्स. ओके, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट. नाउ दिस एक्चुअली इट गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस. ये यूट्रस के साथ क्या कर लेता है, अब अपने आप को अटैच कर लेता है. ओके, राइट, जब आपके सेल्स मल्टीप्लाई हो गए, ये एम्ब्रियो फॉर्म्ड हो गया, एम्ब्रियो जो है वो अपने आप को किस में एम्बेडेड कर लेता है, यूट्रस में. ओके, राइट, तो वहां पर इसकी फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. व्हेन यू आर एबल टू सी द विजिबल पार्ट, लिम्ब्स जो है, ऑर्गन्स जो है, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं जब एम्ब्रियो की, आपको हैंड्स दिखते हैं, ठीक है, उसकी जो लेग्स हैं वो दिखने शुरू हो जाती है. द लिम्ब फॉर्मेशन दे आर देयर, ऑर्गन फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाती है, तो वो एम्ब्रियो जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में. डेफिनेशन लिखवा दी थी कल मैंने, फीटस सो इट इज द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स दे आर विजिबल, दैट इज कॉल्ड एज फीटस. अब जो फीटस है, इट आल्सो रिक्वायर्स नरिशमेंट. जो फीटस का वेस्ट है वो भी तो रिमूव होना चाहिए, उसकी बॉडी से होना चाहिए ना. हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको नरिशमेंट भी चाहिए, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वेस्ट भी जनरेट करता है. तो क्या होता है इस फीटस के साथ, क्या होता है इस फीटस के साथ, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. सो यू कैन राइट डाउन द फीटस इज अटैच्ड टू द यूट्रस बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर.
इज अटैच टू द यूट्रस, द फीटस इज अटैच टू द यूट्रस विद अ स्पेशल स्ट्रक्चर The fetus is attached to the uterus with a special structure called placenta. P-L-A-C-E-N-T-A, placenta. ठीक है, ये जो चीज है placenta जो है वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है? फीटस और यूट्रस. ठीक है, प्लासेंटा में ही जो आपका ऑर्गेनिज्म है, इट डेवलप्स एन अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज एक्चुअली द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड दैट इज एक्चुअली द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फीटस के साथ और प्लासेंटा के साथ उसको कनेक्ट करता है. समझ आया? आपके फीटस को यूट्रस के साथ कौन कनेक्ट करता है? प्लासेंटा. ठीक है, और जो आपके फीटस और प्लासेंटा को कौन कनेक्ट करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, कनेक्टिंग द फीटस टू द प्लासेंटा. यूट्रस और फीटस को कौन कनेक्ट करता है? प्लासेंटा. फीटस और प्लासेंटा को कौन कनेक्ट करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है जी, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ यू नो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ टाइम गैप व्हेन द होल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल टेक प्लेस एंड दैट इज नॉर्मली 9 months और 40 weeks. ओके, सो ये जो नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेजेस हैं दे आर डिफरेंट डिफरेंट इन ईच ऑफ द एनिमल्स और द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में 40 जो है वीक्स लगते हैं एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट 9 months. यू कैन राइट डाउन एंड दिस होल पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड. The period of the growth and the development of the organism, the period of development or growth of the fetus till the birth of baby is called gestation period. Till the birth of the baby is called gestation period. ठीक है, इज दैट क्लियर? टर्म्स सारी समझ आ गई हैं? गेस्टेशन पीरियड, प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस क्या है, एम्ब्रियो क्या है, सारी चीजें समझ आ गई? ओके, एंड दिस एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इज नोन एज पार्ट्यूरेशन. ठीक है, दिस एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ to a baby is known as parturition. Clear hai yahan tak? This process of giving birth to a child is known as parturition. Ab humne diagrams banane hain fertilization ke. Okay, male and female reproductive system bata diya maine, ab hum diagram bana lete hain. So draw the diagram for the fertilization. सबसे पहले we will be drawing the structure of an ovum. Ovum means egg cell. This is the structure of ovum. न्यूक्लियस है वो, द डॉट इज द न्यूक्लियस. फर्टिलाइजेशन,
डन Now this is the ovum. In the second diagram, I'll be showing the sperms meeting the ovum. Stages of fertilization. ठीक है, ये हम singly singly बता रहे हैं. फिर मैं आपको एक diagram करवाऊंगी जिसमें ये कैसे fallopian tubes में fertilization show कर रहा है. ठीक है, तो भी पहले singly singly बना लो. हाँ जी बेटा, colored one is the nucleus. So they are the sperms. That are entering the ovum. Okay. ये आपका ओवम बनाया है मैंने, वो मेम्ब्रेन्स है, आउटर कवरिंग्स. Okay, now in this diagram you can see the sperms, they are entering in order to meet the ovum. Okay, and when they meet, when here the sperms, they meet the ovum. Okay, when the sperms, they meet the ovum, what they will give? A fertilized egg cell, that is ovum. Not all the sperms they meet the ovum. There are one, ठीक है, एक ovum है उसके साथ एक sperm ने जो है वो fertilization करी. Out of those billions or millions of sperms, only one sperm is there that will fuse with the ovum. ठीक है बेटा, तो एक एग सेल है, एक स्पर्म है, राइट, दे विल बी मीटिंग टू फॉर्म अ सिंगल सेल्ड जायगोट. अब ये आपने इंडिविजुअली शो की है, वी विल शो दिस आल्सो इन द फेलोपियन ट्यूब, कि फेलोपियन ट्यूब्स में ये कैसे हो रहा है सारा कुछ. साइड वाला बनाएंगे, बस एक साइड का. हाँ जी, ऐसे ही बनाया था कल मैंने. यहाँ पर हमने क्या बनाई थी, ओवरीज बनाई थी. मैं दिखाने के लिए ऐसे बनाया, ठीक है, just to show you, that's why I have made the structure. आपने भी बनाना है. Now see here. हाँ जी, देखो बेटा यहाँ पे. क्या ये स्पर्म्स? Now see here बेटा, these are the ovaries. They will be releasing eggs. Release करेंगी. This process of release of the eggs is known as ovulation. क्या कहते हैं इसको?
प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द एग्स इज नोन एज ओवुलेशन। ठीक है, ओवरीज में हर मंथ जो है वो क्या करना है, एग रिलीज करना है। ओके, नाउ आफ्टर द रिलीज इतना ही बनाना है, फर्टिलाइजेशन है ना ये, यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। हो गया? पेपर में अगर आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा तो अलग अलग बना देने हैं, अगर फर्टिलाइजेशन पूछा तो आपने फिर ये सारे बनाने हैं। कितने बनाना? बुक है आपकी, बुक खोली हुई है ना तूने साथ में, तो कैन यू सी इन द बुक कि इतना ही बना हुआ है। ठीक है जी, तो ये जो आपका एग रिलीज हुए हैं यहाँ पे हेयर टू अ वन सिंगल एग, द स्पर्म्स दे विल मीट, ऐसे ही होगा। सो मीटिंग ऑफ द स्पर्म्स विद द एग इट विल गिव जायगोट। ठीक है जी, फिर वो जायगोट जो है वो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, वन से टू में। ठीक है, टू से फैलोपियन ट्यूब में, सारी डिवीजन फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। ठीक है, आफ्टर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जब ये डिवाइड करता जाएगा 2, 4, 8 उसके मल्टीपल्स में, ठीक है, फाइनली ये जो है यहाँ पर यूट्रस की वॉल में क्या हो जाएगा, एम्ब्रेड हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, इज दिस क्लियर? सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस इज द एम्बेडिंग एम्ब्रियो, ये जो एग्स रिलीज हो रहे हैं, ओव्यूलेशन है ये, यहाँ पर आपने यहाँ तक सेल्स को मल्टीप्लाई करते जाना है बस थोड़ा सा। क्या? हाँ, तो रिलीज हो रहा है तो वो वही है, रिलीज ऑफ द एग इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओवरी से थोड़ा सा ऊपर बना लो, नहीं तो यहाँ पे बना लो, अब इसको ओव्यूलेशन कह रहे हो। ओवरी ने एग रिलीज कर दिया अपना, ऊपर डिफाइन किया मैंने वर्ड, जब मैंने ओव्यूलेशन डिफाइन किया था तब लिखा था वो वर्ड। इज दिस क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, If see every month the ovaries they will be releasing an egg, okay, right? Every month the ovaries they will release the egg. If the eggs they are fertilized, फिर क्या होगा? Fertilization हो जाएगी, sperms meet कर जाएंगे and a new individual will be formed. But in case अगर जो है आपका egg fertilized नहीं होता है, okay, when the ovary it sends the egg, the uterus it prepares itself every month, कि उसने वहां पर क्या करना है, वो अपने आप को prepare करता है baby के लिए, okay, for the organism. But जब fertilization नहीं होती है
right? If the fertilization does not take place, then the egg, it becomes, or you can say the egg, it will burst out in the form of blood. Okay, so this process is known as mensuration. Okay. So if the egg is not fertilized, right, that egg, it will be out from the body in the form of blood. And this process is known as mensuration. If the egg is not fertilized by the sperm, it is expelled from the body. It is expelled out from the body in the form of blood. This process is known as mensuration. Is that clear? See the same diagrams of fertilization, they are in there in your NCERT जो हमने पहले बनाया था, ये जो हमने दूसरा बनाया हुआ. Okay. अब उसके बाद next point है. Nowadays you must all have a new term, test tube babies. So now आप सबने, you all have heard this term, test tube babies. Hospitals के बाहर भी लिखा होता है कई बारी, ठीक है? और इसको और क्या कहते हैं हम? IVF. No noise. So test tube babies or in vitro fertilization, what is this now? In the fertilization method, you have studied that the whole process of zygote development, it takes place, या जो भी आपकी ovaries हैं, ठीक है, वो egg release करके fallopian tubes में देती हैं, fallopian tubes पे सारी जो है, वो zygote की development start होती है, okay? But in case of some women, they are having their fallopian tubes blocked, ठीक है, कई बारी ऐसी situations हो जाती हैं women's में कि उनकी fallopian tubes जो हैं, वो block हो जाती हैं. अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं तो डेट मींस कि जो ओवरीज एग प्रोड्यूस कर रही हैं वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस तक नहीं आ पाता, नहीं आएगा अगर वो ब्लॉकेज हो गई है. तो डेट मींस इन डेट केस दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, दे विल नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. सो देयर इज अनदर मेथड हाउ दे कैन गिव बर्थ टू एन इंडिविजुअल, दिस इज बाय टेस्ट ट्यूब बेबीज और IVF फर्टिलाइजेशन. क्लियर? जिसमें उनका एग्स जो है, या कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि फेलोपियन ट्यूब में डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है, जो एग्स हैं वो नहीं डेवलप कर पाते हैं, तो उन केस में क्या होता है, उनके एग्स को कलेक्ट कर लिया जाता है. ओके, और ये जो स्पर्म के साथ मीट करना और फ्यूजन जो है वो बाहर की जाती है, नॉट इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. अंडरस्टैंडिंग? एग इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल and this fertilization process, it is done outside its body. Jab wo sperms meet karke zygote bana dete hain, then that zygote is embedded in the uterus. Fir usko wahan par further jab wo development ke liye usne jana hai, fir usko uterus mein kya kar dete hain, embedded kar dete hain, aur jo uski further development hai wo wahan par hoti hai. This is in vitro fertilization. Okay,
फ्यूजन अलग है, बस फ्यूजन बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, फ्यूजन बॉडी के बाहर हो रही है. ओके, एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द एबनॉर्मेलिटीज इन दी बॉडी. ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर के साथ जिनकी एबनॉर्मेलिटीज हैं उनको ये करवाना पड़ता है. ओके, अदरवाइज इफ द वुमेन इज हेल्दी, एवरीथिंग इज हेल्दी, तो हेल्दी रिप्रोडक्शन होती है, इंटरनल रिप्रोडक्शन होती है. क्योंकि बाहर कर रहे हैं ना, पूरे ओरिजिनल एनवायरनमेंट तो नहीं मिल रहा, जो बॉडी के अंदर वाली चीजें हैं जिन्होंने उनको प्रोवाइड करना. आप देख रहे हो कवरिंग्स मिलती हैं उसको, नंबर ऑफ कवरिंग्स आर देयर दैट आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट जायगॉट. बट एक्सटर्नल जब आप करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको नहीं मिल पाते, जो इंटरनली मिल रहे हैं उसको. क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर की बात हो सकती है, कवरिंग्स हो सकती हैं. हाँ, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना. इफ दे वांट देयर ओन चाइल्ड, जेनेटिक मटेरियल तो चाहिए उनको अपना. बेटा आई एम नॉट डन, कवेश मूव बैक टू योर सीट. ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ तक हो गई है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इफ यू रिमेम्बर यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ फ्रॉग्स. फ्रॉग्स एंड टॉड के केस में हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो थी वो बताई थी. ठीक है, अब होता क्या है, इन द रेनी सीजन, ओके, द फ्रॉग, चलो कल डिस्कस करें.